हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू डोगरा अकेडमिक्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे मिसलिनियस प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। चार क्वेश्चन बचे हैं और उसके अलावा एक दो एग्जांपल बचे हैं, वो करने हैं खत्म, ठीक है। टाइम से आया कीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मिसलिनियस के कुछ क्वेश्चन बचे थे। कौन सा क्वेश्चन कहा था करे थे हमने? दूसरा, नौवा, दसवा। क्वेश्चन नंबर सेकंड मिसलेनियस के, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। फोर कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट थ्री डायमंड एंड वन स्पेड, थ्री डायमंड हो और एक स्पेड हो, क्लियर है? तीन डायमंड और एक स्पेड होना जरूरी है। आप एक बात बताओ, चार कार्ड आपने निकाले हैं, प्रोबेबिलिटी बतानी है तीन डायमंड और एक स्पेड की, यही क्वेश्चन है भाई। इधर देख ले, फिर तो उत्ते उड़ जाएंगे, रोती रहेगी। डायमंड कितने होते हैं? तेरह, तेरह डायमंड। स्पेड कितने होते हैं? तेरह, तेरह स्पेड होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री डायमंड एंड वन स्पेड, तो भैया हम क्या करेंगे, तेरह में से तीन डायमंड लेंगे इंटू 13C1 डिवाइडेड बाई 52C4। क्यों भाई? एक लड़के ने बोला कि प्लस करेंगे। भाई सवाल तो किसी का भी हो सकता है, प्लस क्यों नहीं कर रहे? हमें कितने कार्ड निकालने हैं भाई? टाइम से आना सीख जा। चार कार्ड्स, हमें कितने कार्ड्स निकालने हैं? फोर कार्ड्स। जब तक चार पत्ते निकल नहीं जाते, जब तक चार पत्ते निकल नहीं जाते, तब तक आप मल्टीप्लाई करोगे। भाई ये क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। टोटल कितने पत्ते निकले हैं? ये कितने? एक। टोटल कितने हो गए? चार। तो जब तक चार नहीं निकलते तब तक मल्टीप्लाई। पॉइंट समझ आ गया? 13C3 को कैलकुलेट करने का तरीका आप प्रॉपर तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी कर सकते हैं, वो आपकी हेडेक है, ठीक है। कैलकुलेशन की बात हम नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर सिक्स नहीं हुआ था हमारा, क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं एनसीईआरटी मिसलेनियस का। थ्री लेटर आर डेडिकेटेड टू थ्री पर्सन इन एनवेलप, ईच ऑफ देम लेटर इंसर्टेड इनटू थ्री एनवेलप रैंडमली ऑफ द एनवेलप कंटेनिंग एक्जेक्टली वन लेटर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन लेटर इन द प्रॉपर एनवेलप। देखो क्वेश्चन ये है, तीन लेटर है और तीन एनवेलप है। बेटा मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर छह लास्ट क्लास में आई नहीं थी, तो फिर ध्यान कहाँ है? मांगली, तो मांगलिक हो जाए तू। अब रहने दे, इधर देख ले, क्वेश्चन पूरा समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है तीन लेटर है आपके पास, उनको आपको तीन एनवेलप में डालना था। मतलब जैसे मैंने क्या किया, तीन लेटर को तीन एनवेलप में डालना है, ठीक है भाई। तेरे से टाइम से आया जाता है कभी कभी? जिंदगी में टाइम पे आया तू? है मार खानी है क्या? बता कभी आया टाइम से तू? फिर बैग इतना बड़ा लेके चलता है, आता टाइम से कभी है नहीं, इसीलिए लेट हो जाता है। बैग भारी है या तू भारी है? गधा। तीन लेटर समय तीन एनवेलप में डालने हैं, ठीक है। तीन एनवेलप पे एड्रेस लिखे हुए हैं, जैसे सपोज करते हैं तीन हमारे पास एनवेलप है। एक एनवेलप हमें भेजना है अपने पिताजी को, ठीक है। सपोज करते हैं हम आर्मी में हैं और सियाचिन बॉर्डर पर बैठे हैं, और ऑब्वियस है वहां से कॉल तो कर नहीं सकते, सैटेलाइट कॉल की बात नहीं कर रहे हम, ठीक है। अब हमें तीन लेटर भेजने हैं, अब तीन लेटर भेजने हैं। एक हमें लेटर भेजना है पापा को, शादी नहीं हुई अभी ऐसा मान लेते हैं, एक लेटर भेजना है पापा को, एक लेटर भेजना है बंदी को, और एक भेजना है दूसरी वाली बंदी को। डबलिंग चल रही है ना, ऐसा मान के चलते हैं, तो डबलिंग चल रही है। एक लेटर पापा को, एक बंदी ए और एक बंदी बी को। अब अगर साहिल ने जैसे भेजना है, ऐसा मान लेते हैं साहिल खुश हो गया, कह रहा चलो कोई नहीं, लेट में ही सही है ना, एजम्पशन में ही सही, बंदी तो बनी है ना, कह रहा हाँ, तो वो भी दो दो, एक आधी बन जाए तो बात भी है भाई, चल कोई नहीं साहिल, हो जाता है।
अब देखो साहिल को ये चीज हजम नहीं हुई, इसने तीन लेटर लिखे, इसको तीन पेज मिले और तीन एनवलप मिले, इसने पहले एनवलप पे एड्रेस लिख दिया और गलती से इसके एनवलप और लेटर्स वो मिक्सअप हो गए। बात समझ आ रही है? एक बंदी वाला पापा को मिलेगा तब भी जूते पड़ेंगे, बंदी का दूसरी बंदी को मिला तब भी जूते पड़ेंगे। तो क्वेश्चन ये है, कम से कम एक से तो पिटाई ना हो, मतलब एक एनवलप कम से कम प्रॉपर एड्रेस पे जाए, कम से कम एक। भाई चलो पापा को समझा लेंगे, जैसे पापा को अगर पता लग गया तो गलत, एक को एक बंदी का लेटर दूसरी के पास पहुंचा और एक के पास पापा का पहुंचा, तो बंदी को भी, एक बंदी तो बचेगी कम से कम दो में से। तो ये कैलकुलेशन कर रहा है वहां पे बैठा हुआ, ये प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है, ठीक है? यहां पे तो निकाली नहीं, वहां ही निकाल रहा है। तो भैया हमने तीन एनवलप माने, हमने बोला एनवलप है एनवलप वन, एनवलप टू और एनवलप थ्री, तीनों एड्रेस लिखे हुए, लेटर वन आना था इसमें, इसमें क्या आना था और लेटर थ्री। ऐसा भी हो सकता है एनवलप वन में लेटर वन आए लेकिन एनवलप टू में लेटर और एनवलप थ्री में लेटर, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है एनवलप वन में लेटर टू आ जाए, एनवलप टू में लेटर थ्री आ जाए और एनवलप थ्री में लेटर वन आ जाए। इसमें सबसे मार खाएगा ये, ठीक है? एनवलप वन में लेटर टू, एनवलप टू में लेटर वन और एनवलप थ्री में लेटर थ्री। समझ आ रही बात? भाई आपने एनवलप को फिक्स रखा है, लेटर पहले वन के दो केस बनाए, टू के दो केस बनाए, अब किसके बनेंगे दो केस? थ्री के। तो लेटर थ्री, लेटर थ्री, यहां पे लेटर टू कर लेते हैं और लेटर वन हो जाएगा। तो एनवलप टू और एनवलप थ्री, एनवलप टू में लेटर वन और एनवलप थ्री में लेटर टू, ठीक है? दिस इज आर सैंपल स्पेस, इसके अलावा और कोई केसेस नहीं बन सकते। मतलब वो लेटर इन तरीकों से पोस्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट एक से मार ना खाए वन लेटर इन प्रॉपर एनवलप, ठीक है? अब देखो, कम से कम एक लेटर, एक मिनट रुक जा भाई, एक तो ये केस, क्यों? इसमें सबको तुक्के में सही जगह चला गया। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? या तो एक या फिर दो या फिर तीन, एक या एक से ज्यादा। ये केस भी कंसीडर होगा क्योंकि इसमें भी आ रहा है। ये केस कंसीडर होगा क्या? ये केस कंसीडर होगा क्या? हाँ, ये केस कंसीडर होगा क्या? ये केस कंसीडर होगा नहीं, ठीक है? समझ गए ना? यानी कितने केसेस हो सकते हैं? चार बटे छे, मतलब इसके दो बटे तीन चांसेस हैं एक तरफ से बचने के, कम से कम एक तरफ से बचने के। बात समझ आ गई? क्वेश्चन समझ आया? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखनी है बात, ठीक है? टेप सकते हो आप इसको पहले फटाफट से, दोनों क्वेश्चन को। चलिए ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसके बाद सिक्स, उसके बाद नाइन। कहता है चार डिजिट का नंबर ग्रेटर देन 5000। आ जा, एक मिनट रोकना। नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन, फोर डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000, चार डिजिट के नंबर 5000 से बड़े। यूजिंग द डिजिट बताना जरा, यूजिंग द डिजिट बताओ जल्दी से मेरे को। 5000 से बड़े 0, ठीक है? यहां पे सिर्फ 7 आ सकता है, क्यों? 5 नहीं आ सकता। बात समझ आ रही है? 5000 से बड़े कितने बन सकते हैं, ये क्वेश्चन है। दो में से कोई भी एक, समझ गए ना? क्यों समझ गए? क्यों? अच्छा मान लो 5 आ गए, अब डिजिट क्या क्या बचे तुम्हारे पास यहां पे? 0 1 3 7, 4 3 2, यानी टोटल जो अपने पास बनेंगे 5000 से बड़े नंबर वो कितने होंगे? 2 × 4 × 3 × 2, 4 × 12 × 24 × 48, ये तो हो गए 48 नंबर, जो कि 5000 से बड़े होंगे और चार डिजिट के नंबर होंगे। क्वेश्चन समझ आ गया? ये सैंपल स्पेस, बोल भाई। तो दोनों में से कोई एक काटेगा ना, यहां पे तो तू ये देखता है ना कितने में से आएगा, याद है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है? अब आगे सुनो क्या लिखा है, आगे लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग नंबर डिविजिबल बाय 5, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन डिजिट्स आर रिपीटेड। पहला केस है जब डिजिट रिपीट हो जाए,
सेकंड केस है रिपीटेशन अलाउड नहीं है. ये केस कौन सा करा है मैंने, मुझे बताओ. तो सेकंड केस चल रहा है हमारा रिपीटेशन नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, ठीक है, ये केस चल रहा है ना. तो रिपीटेशन नॉट अलाउड के टोटल मिल गए. अब हमें कौन से केसेस निकालने हैं जो डिविजिबल बाय पांच हो. भाई डिविजिबल बाय पांच में चार डिजिट के नंबर कौन कौन से आ सकते हैं. यहां पे क्या आना चाहिए, जीरो, या फिर क्या आना चाहिए, फाइव. तो अलग अलग दो केसेस बना लो, एक केस बना लो जीरो वाला और एक केस बना लो फाइव वाला, ठीक है. दोनों केसेस को बना के एड कर दो, दिस डिवाइडेड बाय 48. यहां पे कितने नंबर आ सकते हैं, एक ही आ सकता है. और यहां पे क्या क्या आ सकता है, पांच और सात, दो में से कोई भी एक आ गया. यहां पे क्या क्या बचा, यहां पे बचा वन थ्री सेवन, ठीक है ना. और कुछ बचा है, नहीं. तो एक दो तीन, तीन दो, बारह केसेस इसके हो गए. पांच आ गया नहीं आया, एक फिक्स हो गया. यहां पे क्या आ सकता है, खाली सेवन, एक बचे कितने, जीरो वन थ्री, बस यही बचे ना, तीन और दो, यानी कितने केस हुए, छह. टोटल केस हुए 18 बाय 48. ये हो गया सेकंड पार्ट. पहला पार्ट है जिसमें रिपीटेशन अलाउड है. तो सैंपल स्पेस भी कौन सा बनेगा, रिपीटेशन अलाउड का. बात समझ आ रही है. रिपीटेशन अलाउड करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले ध्यान से सुनो मेरी बात. रिपीटेशन अलाउड करने के लिए क्या करोगे, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर पहले इसके अंदर क्या क्या डाल सकते हैं, पांच और दो में से कोई भी एक. यहां पे क्या डालेगा, जीरो वन थ्री फाइव सेवन, एक दो तीन चार पांच, पांच पांच पांच, पच्चीस पंजे एक सौ पच्चीस, ढाई सौ टोटल हो गए. टोटल आ गए आपके पास. अब क्या निकालना है, डिविजिबल बाय. तो डिविजिबल बाय फाइव में एक बार यहां पे पांच रखोगे, एक बार यहां क्या रखोगे, जीरो. दोनों केसेस बना के टोटल करोगे, यहां पे एक आ गया. यहां पे क्या क्या आ सकता है, पांच और सात, दोनों बेटा रिपीटेशन अलाउड है, दो में से कोई एक. यहां पे क्या क्या आ सकता है, जीरो वन थ्री फाइव सेवन, पांच पांच, पचास केस. एक इधर आ गया, यहां पे क्या क्या आ सकता है, पांच और सात, दो, क्योंकि नंबर हर बार पांच हजार से बड़ा बनाना है. और पांच पांच, पच्चीस दुनी पचास, हंड्रेड बाय टू फिफ्टी इज द प्रोबेबिलिटी. हाँ जी सर, बोलिए बोलिए बोलिए. हाँ हाँ, आने दे, मैंने कब मना करा, किससे पांच हजार से बड़ा. यहां पे तूने क्या रखा है, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बात है. पहले पढ़ ले, पांच हजार से बड़े बोले हैं, ग्रेट क्या बोले, एक बार रीड करना. एक केस कम कर दूंगा मैं. देखो इसने सही बोला, ये पॉइंट मैंने ध्यान नहीं दिया. इधर 50 केसेस नहीं होंगे, 49 केसेस होंगे. बताओ क्यों, क्योंकि अगर मैं यहां पे जीरो रखता हूं, जीरो यहां पे भी आ सकता है, जीरो यहां पे भी आ सकता है. 5000 इसके अंदर एक केस आ रहा है, तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा. क्या मुझे वो इंक्लूड करना है, नहीं. बात समझ आ गई, तो ये हो जाएगा, समझ गए, यानी 99 केसेस बनेंगे, ठीक है. वो रिड्यूस होगा तो कर देना, नहीं हो रहा होगा तो रहने देना, ठीक है.